उल्लेखनीय है कि मेला जल विहार कोरोना काल के बाद आयोजित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि छतरपुर जिले में नगर पालिका ने जल विहार मेला आयोजित किया है। लोगों की मांग पर नगर पालिका अध्यक्ष ने मेले को अगले 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। 2 साल के बाद आयोजित हुए इस मेले को लेकर आम लोगों और व्यापारी वर्गों में खासा उत्साह है। वैसे जल विहार मेला का समापन दिवाली पर्व के साथ ही हो जाता है, लेकिन इस बार मेला शुरू होने से पहले जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते जल विहार मेले का उद्घाटन लगभग 4 से 5 दिन बाद किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया ने निर्णय लेते हुए जल विहार मेले को 3 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। मेला 30 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, वहीं केवल बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं का चार्ज लिया जाएगा। इस बार बारिश ज़्यादा हुई और मेला भी देर से शुरू हुआ है। मेरे अंदाज से 5-6 दिन से निकल ही गए थे, तो दुकानदारों ने ये मांग की कि 30 तारीख तक मेला बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हम लोग की भी जो क्षति हुई है तो क्षतिपूर्ति हो जाए और सभी आए नगर पालिका में और वर्षा की भांति में से अधिक इस वर्ष वर्षा हुई है और वर्षा के कारण मेला 4-5 दिन लेट लगा है। इस कारण से 3 दिन 4 दिवस का मेला बढ़ाया गया है 30 तारीख तक। समस्या ये आ रही है कि आज अभी अनाउंस हो गया है कि कृपया आप लोग अपनी अपनी दुकानें उखाड़ लें, झूले खोल लें, क्योंकि मेला खत्म हो चुका है। तो अब ये दुकानदार लोग इतना परेशान है क्योंकि मेला हो गया इस साल लेट। मेला शुरू स्टार्टिंग में नगर पालिका की कुछ परेशानियां जो भी रही हो, मेला चालू होने में 4 दिन का समय बर्बाद चला गया इन सभी दुकानदारों का।